अगर आप बिहार के निवासी हैं और ग्रेजुएशन पास आउट किए हैं और छात्रा हैं, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है कन्या उत्थान योजना के तहत जो ग्रेजुएशन पास आउट करते हैं उनको 50,000 रुपये की सहायता राशि जो है मिलती है बिहार सरकार के तहत। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। अपडेट ये है कि आप जो है अगर ग्रेजुएशन जो है आप अप्रैल 2021 के बाद जो है स्नातक किए हैं, तो उन छात्राओं को जो है 50,000 रुपये की सहायता राशि जो है मिलेंगी। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है 3 दिसंबर से जो है पोर्टल खुलने की बात जो है कही गई है, मगर अभी तक जो है यहाँ पे पोर्टल जो है नहीं खुल पाए हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो अगर आप भी जो है अप्रैल 2021 के बाद जो है स्नातक किए हैं और आप जो है इस योजना के तहत 50,000 रुपये की सहायता राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं, तो एक बड़ी अपडेट आपको मिल रही है। आवेदन जो है बहुत जल्द जो है इसकी पोर्टल जो है खुल जाएंगी और आप जो है आवेदन कर पाएंगे और आप 50,000 रुपये की सहायता राशि जो है कन्या उत्थान योजना के तहत जो है आप ले सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट जो है यहाँ पे बिहार सरकार के तहत निकल के आ रही है कि अगर आप जो है 2000 अप्रैल 2021 के बाद जो है ग्रेजुएशन किए हैं, ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं, तो ऑनलाइन आवेदन करने की लिंक जो है 3 दिसंबर से खुलने की बात कही जा रही थी, मगर अभी तक लिंक जो है नहीं खुली है, मगर बहुत जल्द ही जो है लिंक जो है यहाँ पे ओपन हो जाएंगी और आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और उसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो उसके लिए देखिए डॉक्यूमेंट्स जो है आप तैयार रखिए, बहुत जल्द जो है पोर्टल जो है खुल जाएंगी। इसके लिए अगर आपके पास जाति आवासीय आय जो है करंट अगर नहीं बना हुआ है तो वो आप बनवा लें। साथ ही साथ आप ये चेक कर लें कि आपके आधार में जो आपका नाम है फादर नेम डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार मैच कर रहा है कि नहीं। अगर आपको कहीं पे डिफरेंस नज़र आता है जैसे नाम फादर नेम या डेट ऑफ बर्थ, तो उसकी आप करेक्शन करवा लें। साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान देना है कि आपके आधार कार्ड में जो है मोबाइल नंबर भी लिंक्ड होनी चाहिए और आपका बैंक अकाउंट जो है आपके नाम पे होना चाहिए, बैंक अकाउंट भी आधार से लिंक होनी चाहिए। अगर ये सारी फॉर्मेलिटी जो है आप प्रॉपर चेक कर लें, किसी तरह की प्रॉब्लम्स है अगर आपका जो है बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो वो भी करवा लीजिए, क्योंकि पेमेंट जो यहाँ पे ट्रांसफर की जाती है आधार से लिंक जो बैंक अकाउंट होती है उसी में पैसे जो है ट्रांसफर की जाती हैं। तो ये सब सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे, कहीं भी करेक्शन करानी है कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप अपडेट करवा लीजिए, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखिए। लिंक जो है आपको 1 से 2 दिन में जो है यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी, मेधा सॉफ्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पे जो है आपको मिल जाएंगे। देखिए अभी यहाँ पे अभी लिंक जो है एक्टिवेट नहीं हुई है, तो बहुत जल्द जो है यहाँ पे लिंक एक्टिवेट होने वाली है और आप लोग आवेदन कर सकते हैं और पैसे ले सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट जो है यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा जो है जो छात्रा जो है ग्रेजुएशन पास आउट किए हैं उनको 50,000 रुपये लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है बहुत जल्द जो है लिंक उसकी एक्टिवेट कर दी जाएंगी और आप आवेदन कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी चाहते हैं और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।